एनसीबी के साथ साथ सीबीआई भी जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। कल सीबीआई ने सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। सीबीआई तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, साथ ही रिपब्लिक टीवी को एसएसआर के टैलेंट मैनेजर उदय शंकर गौरी के कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिनमें पता चलता है कि उदय रिया चक्रवर्ती के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। दिशा सिलाइन के डेथ के नेक्स्ट डे भी उन्होंने कई कॉल्स एक्सचेंज किए और एक कॉल सुशांत की डेथ के एक महीने बाद की भी है। एसएसआर और उनके टैलेंट मैनेजर के बीच 13 जून को 5 कॉल्स हुए थे, जिसमें सुशांत एक पोटेंशियल फिल्म प्रोजेक्ट के लिए एक डायरेक्टर से बात कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर कितने सीरियस थे और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे थे। उदय शंकर गौरी और रिया और दिशा सिलाइन के बीच क्या लिंक है, इसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगस्त 2019 में रिया और उदय ने एक दूसरे से 13 कॉल्स एक्सचेंज किए थे। इसके बाद दोनों ने एक बार फिर फरवरी में बात की। अप्रैल में भी इन दोनों के बीच 3 बार कॉल्स एक्सचेंज हुए और एक बार मई में। लेकिन दिशा सिलाइन की डेथ के नेक्स्ट डे यानी 9 जून को, यानी सुशांत का घर छोड़ने के 24 घंटे बाद रिया और उदय के बीच एक कॉल हुई जो कि 649 सेकंड्स तक चली थी।